एक बादशाह की सखाफत के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे, जिसे सुनकर एक मुंशी बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह से मुखातिब हुआ कि आपकी सखाफत देखने आया हूँ। बादशाह ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? मुंशी ने कहा कि मेरा ये कशकोल भर दें। बादशाह ने फौरन अपने गले से कीमती हार समेत सोने की अंगूठियाँ और अशर्फियाँ कशकोल में डाल दी, मगर कशकोल बड़ा होने की वजह से खाली रहा। बादशाह को ये गवारा ना था कि दूर से आया मुंशी खाली कशकोल लिए वापस जाए। बादशाह ने अशर्फियों से भरी बोरी मंगवाई और उसके कशकोल में उंडेल दी, मगर कशकोल भरने का नाम नहीं ले रहा था। बादशाह ने शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने खजाने के मुंह खोल दिए और सारा खजाना मुंशी के कशकोल में उंडेल दिया। बादशाह फिर भी कशकोल भरने में नाकाम रहा। आखिर में मुंशी ने अपना कशकोल उठाया और जाते जाते कहने लगा कि ये आपके बस की बात नहीं। बादशाह ने मुंशी को रोकते हुए पूछा, ये कशकोल किस हस्ती का है? मुंशी मुस्कुराया और कहा, ये कोई मामूली कशकोल नहीं, ये पाकिस्तान की हुकूमत का कशकोल है, जिसका भरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। मुंशी ने हंसते हंसते कशकोल अपने थैले में डाला और बादशाह को कंगाल करके चलता बना।